हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटवाहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ की क्लास में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 21। इस पार्ट में हम लोग एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 10.4 के पांचवें क्वेश्चन को हल करेंगे। आपको बता दें कि ये जो 10.4 है वो आपके लिए जो बोर्ड परीक्षा 2020 और 2021 का पाठ्यक्रम जो कम किया गया है 30%, वो अब ये वाली प्रश्नावली सिलेबस में नहीं है। आपको बता दें कि आपको 10.1 पढ़ना है, 10.2 पढ़ना है, 10.3 पढ़ना है, पर 10.4 नहीं पढ़ना है। इसलिए इसको आप केवल जानकारी के लिए देखेंगे, इसकी नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। तो देख लेते हैं कि पांचवें का पहला वाला पार्ट क्या है। तो पहले देख लीजिए पांचवा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित सरल समीकरण सिद्ध कीजिए। इसमें पहला पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉट थीटा अपान 1 प्लस कॉट थीटा। तो देख लेते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड से सिद्ध करना इसको चालू करेंगे। क्या हो गया, कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए कोसेक को आप चेंज कर देंगे 1/2 साइन थीटा में, और कॉट को आप चेंज कर देंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये तो आपका होल स्क्वायर है ही। अब देख रहे हैं कि दोनों का हर समान है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ये आपका हो गया होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को हम हटा देते हैं, तो जब हटा देंगे तो यानी इस होल स्क्वायर को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि जब ए अपान बी का होल स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इसको लिख सकते ठीक है। तो देख लीजिए ये आपका हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो साइन थीटा बराबर क्या जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे जो हो गया इसको हम दो भागों में तोड़ देते हैं, एक हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि ए माइनस बी के रूल से तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस, चाहे ए प्लस का हो चाहे माइनस का हो, और ए माइनस बी ठीक है। अब देख लीजिए ये वाला पोर्शन
कट गया तो बचा क्या है, वन माइनस कॉस थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा, जो कि आपके राइट हैंड साइड के तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन आपका यानी पांचवे का पहला पार्ट आपका सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग पांचवे का दूसरा पार्ट हल करेंगे। कॉस ए अपान वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपान कॉस ए इक्वल टू सेक ए। तो इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे किससे, लेफ्ट हैंड साइड से। कॉस ए अपान वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपान कॉस ए। अब आपको बता दें इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा और हर हर का गुणा होगा, यानी इन दोनों का गुणा होगा। तो पहले देख लीजिए कॉस और कॉस ए का गुणा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन ए, और यहाँ वन प्लस साइन ए, यहाँ भी वन प्लस साइन ए है, तो यहाँ हो गया होल स्क्वायर बटे वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आपको बता दें कि इसका प्रसार कर देंगे तो प्रसार देख लीजिए वन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए अपान वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ इसका प्रसार तो आप समझ ही रहे हैं कैसे हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी टू ए बी से। अब देख लीजिए इसको हम इसके साथ कर देते हैं, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी हमने ए और साइन स्क्वायर को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, आपस में बदल दिया प्लस एक। यहाँ देखिए हम यहाँ एक का स्क्वायर भी हमको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम केवल एक कर देते हैं और ये आपका हो जाएगा टू साइन ए अपान वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आप देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है एक, आपने सब संख्या पढ़ा है, ये आपका एक है, ये है अब प्लस टू साइन ए अपान वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ कर दे रहे हैं एक एक मिला के हो गया आपका दो प्लस दो साइन वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देख लीजिए यहां भी दो है यहां भी दो है, दो को हमने ले लिया कॉमन, तो हो गया आपका वन प्लस साइन ए अपान वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये आपका कट गया तो ये आ गया टू अपान कॉस ए, यानी वन प्लस साइन ए और वन प्लस साइन ए क्या ओपन ही के था, इसलिए हमने क्या किया इसको हटा दिया, और टू अपान कॉस ए को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं टू इंटू वन अपान कॉस ए। आप जानते हैं कि वन अपान कॉस ए का जो मान होता है वो क्या होता है सेक ए के बराबर होता है,
इस प्रकार हम देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी आ गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये समीकरण, ये सब समीकरण क्या होगा, सिद्ध हो गया राइट हैंड।